Hello students, now we will study how to do addition from numbers 1 to 20. Okay, so here we have one example, that is 40 plus 3. Okay, see, here are 14 green dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, then 3, 1, 2, 3. 3 dots are blue dots. Now, how many total dots are there when we add 14 and 3 dots? Okay, तो यहाँ पर कितने total dots हैं जब हम 14 और 3 dots को add करते हैं? Now see, your answer is given 17. So let's see, is it correct? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, see, 14 green dots and 3 blue dots, ये combine होकर 17 dots बनाते हैं. इसका मतलब ये है कि 14 में अगर आप 3 add करोगे तो 17 answer आएगा. Thus, 14 plus 3 is equal to 17. Okay, यहाँ पर आपको example 14 dots के through दिया है, but आप कोई भी चीज, okay, either you simply add numbers or anything, answer will be 17. Okay. So, ये आपको addition dots की थ्रू सिखाया गया है. Now see, here we have one exercise, that is fill in the boxes. Okay, इन boxes को हमें fill करना है, ठीक है? और यहाँ पर हम लोग को exercise दे रखी है. यहाँ पर जो question है वो addition के हैं. जैसे dots का addition आपने ऊपर सीखा, बिल्कुल उसी के basis पे ये addition है, okay? Now see, 5 plus 13 कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5 dots ये है, क्योंकि 5 number है. फिर 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dots नीचे बने हुए. Okay? 5 पहले बनाए तो पहले 5 dots, 13 बाद में तो 13 उसके बाद में dots बनाए. अब इनको plus करना है. Okay? Plus करने का मतलब इनको एक साथ count करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. और ये question आपका पहले से किया हुआ था और वो ही हम लोग का count करने के बाद में आया है and it is 18. Now the next one is 2 plus 13, okay? So 2 plus 13, सबसे पहले 2 dots बने हुए, 1, 2, then 13 dots, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, okay? So इसी तरह से सारे questions में पहले इस number के dots बने, उसके बाद में बाद वाले number के dots बने हैं, तो आपको simply क्या करना है, इन dots को count करना है और यहाँ पर लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So your answer is 15. Okay. Now we have 12. It means ye 12 dots hai. Then 6 dot. So ye 6 dots. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So your answer is 18. Now the next one is 16 plus 3. So 16 dots upar bane hue hai. Okay. And then 3. So here are 3 dots. Now we will count how many total dots are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So your answer is 19. Okay. Now one thing I want to tell you, कि आपको एक चीज देखनी है इसमें. आपने 4 questions किए हैं, तो एक चीज देखिए, अगर 5 है तो 5 तो रहता ही है. उसके बाद के नंबर्स काउंटिंग करिए, दैट इज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. मतलब आपको समझ में आया कि अगर आप फर्स्ट नंबर की काउंटिंग ना करके उसके बाद के नंबर से काउंटिंग कर दे तो भी ये आपका एडिशन बहुत इजी हो जाएगा. ये टेक्निक मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे अभी तो आपको डॉट्स दिए गए हैं, बट इसके बाद आपको खुद से ऐड करना होगा, तब आप कैसे करोगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ये 2 दिया हुआ है, तो 2 डॉट्स आपके पहले से ही हैं, तो 1, 2 ही तो आएगा, तो इसको क्यों काउंट करना? उसके जस्ट बाद 13 डॉट्स दिए, क्योंकि यहाँ पर 13 नंबर, इट मीन्स 13 डॉट्स दिए हैं, तो उसके बाद से काउंट करिए. ये 2 ऑब्वियसली हमें पता है, क्योंकि 2 वाले पहले डॉट्स बने, तो 2 तो ये होंगे ही होंगे ना. देन 3, 4, 5, सॉरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये बात आपको समझ में आई? चलिए एक बार और देखते हैं. सी, इन दिस वन 12, तो इट मीन्स ये 12 है. आपको इनको पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है, 12 के डॉट्स ऊपर बने हैं तो ये ऊपर वाले 12 ही हैं, उसके बाद से काउंट करिए.
दैट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपका 18 आंसर। ओके हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको भी काउंट करते हैं फिर इनको भी काउंट करते हैं। अगर ये 12 है तो ये 12 ही तो रहेगा, उसको वापस से आप कंफ्यूज ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एंड इस तरह से कि आपको फर्स्ट नंबर को काउंट ना करके इन नंबर्स को उसके आगे से काउंट करना है। मतलब ये 12 उसके बाद 13 से काउंट करिए, 6 स्टेप्स और काउंट करिए। सी हियर वी हैव 16, तो ये टोटल 16 है, यहाँ पर 16 आता है, एंड देन यू काउंट 17, 18, 19 कि आपको 3 ऐड करना है। ओके क्योंकि अभी आपको डॉट्स बने दिए हैं तो ये आपको यहाँ पर ये समझना भी इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि होता क्या है। हम लोग क्या करते हैं, इनको भी काउंट करते हैं उसके बाद में इनको भी काउंट करते हैं, तो आपका ये टाइम भी वेस्ट होता है। सो यहाँ से आप क्या करोगे, इन नंबर्स को इतना ही रख के इसके बाद के नंबर्स को जैसे मैंने बताया उस तरह से काउंट करिए और ऐड करिए, और आपका एडिशन इजीली और जल्दी हो जाएगा। ओके नाउ सी हियर वी हैव वन मोर एक्सरसाइज एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एडिशन, ये भी एडिशन से बेस्ड एक्सरसाइज है, बट यहाँ पर टेक द करेक्ट ऑप्शन दिया है। करेक्ट ऑप्शन मतलब आपको क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3, ये इसी क्वेश्चन के 3 ऑप्शन दिए हैं और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको टिक करना है। हियर वी हैव 5 एंड देन 12, ओके 5 के बाद में 12, 5 प्लस 12, 5 पे 12 को ऐड करना है, और ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा और उसको आपको टिक करना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू ऐड। ओके तो आपने अभी सीखा 5 और 12, आपने डॉट्स के थ्रू काउंट करना सीखा। सो मैंने क्या किया, 5 एंड 12, सो आई विल मेक 12 डॉट्स, डायरेक्ट में 12 डॉट्स बना सकती हूँ। सो आपको इसमें क्या करना है, आपको स्मॉलर नंबर ही बनाना है। सी हाउ टू डू, अगर आपके पास 2 नंबर्स है 12 एंड 5, सो विच वन इज द स्मॉलर नंबर, 5 और 12 है। ओके इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 5, तो मैं 5 डॉट्स बना देती हूँ। ओके 1, 2, 3, 4, 5, ओके ठीक है मैंने बना दिए। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, और ये ग्रेटर नंबर है 12, 12 के बाद क्या आता है 13, 14, 15, 16, 17, सो आपको ऐड करने में कितना आंसर आएगा 17, एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं ये आपको वापस से करके दिखाती हूँ, मैं 12 डॉट्स और बना देती हूँ। ठीक है देखिए इसके जस्ट बाद में ये आप ही कितने डॉट्स बने, 1, 2, 3, 4, 5, ओके 5 ये बने हुए, तो मैं ऊपर 12 डॉट्स बना देती हूँ। सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये 12 हो गया, ये 12 और ये 5, 5 दोनों नंबर के डॉट्स बने। अब इसको आपको चेक करके दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आया ना वही आंसर। अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आपको क्या करना है, हमेशा स्मॉलर नंबर की ही काउंटिंग के डॉट्स या लाइंस बनाने हैं और बड़े नंबर के काउंटिंग के जस्ट बाद उसको ऐड कर देना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 8 ones plus 110, ठीक है तो आपको इसमें क्या करना है, 110 बोला है, 110 क्या होता है, 8 ones, ones digit पे जो होता है, ठीक है 8 ones आपको प्लेस वैल्यू सीखी थी ना, 8 ones 8 ही हो जाएगा और 110 हो जाएगा 10। सी ये कैसे होगा, देखें 8 ones दे रखा है तो 8 ones क्या होता है, जैसे देखें ones और tens प्लेस वैल्यू होती है ना, वंस और टेंस होती है, तो 8 ones की प्लेस वैल्यू पे मतलब 8 यहाँ पर है तो ये बेसिकली 8 नंबर बना, और अगर टेंस और वंस दिया है और ये बोल रहे हैं 110 है तो मतलब 110 की जगह पर है, 110 अगर 110 है तो 110 की प्लेस वैल्यू पे है, तो 10 तो वंस पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया तो वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। ओके तो बेसिकली ये 110 जो है ये 10 ही है। ओके सो आपको समझ में आया, 8 and 10 हो गया, हमारे पास 2 नंबर्स हो गए 8 और 10। नाउ वॉट वी विल डू, आपको मैंने क्या दिखाया कि पहले देखना है कौन सा स्मॉलर नंबर है और उसी के हमें काउंटिंग के डॉट्स या लाइन्स आप, सो अब हम फिर 8 डॉट्स बनाएंगे। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके 8 डॉट्स बनाए हमने। अब इन 8 डॉट्स को हम ऐड करेंगे किससे, जो ग्रेटर नंबर है, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स हैं 8 और 10, ठीक है तो 8 स्मॉलर नंबर था तो हमने इसके डॉट्स बनाए और 10 ग्रेटर नंबर है, 10, 11, 10 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा उसकी काउंटिंग स्टार्ट करना है क्योंकि हमें इस 10 में ये डॉट्स को ऐड करना है, मिलाना है, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. So which one is the correct option? 18, 17 और 19 add करने पर हम लोग का 18 आया है. 18 correct option है. तो इसे आप इस box में tick करोगे. Okay? Now we have third question, that is 7 plus 9. 7 में 9 को add करना है. ठीक है? तो 7 is the smallest number, तो हम 7 के dots बनाएंगे. ठीक है? और greater number से count करते हैं. तो we'll make 7 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Then we'll count after 9. ये 9 है. ठीक है? 7 dots मैंने बनाए हैं. और ये 9 है. तो मैं 9s में, 9 में इन 7 dots को add करूंगी. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 16. क्योंकि 16 ऐड करने पे आया. अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन है. 6 वंस प्लस 8 वंस. दोनों वंस हैं. जब वंस होता है तो 6 वंस का मतलब यहाँ पर 6 है प्लस का साइन और 8 वंस मतलब 8 है. देखिए 8 वंस था तो 8 ही आया था. जब भी किसी के साथ वंस लिखा होता है तो वही नंबर आता है. ओके, 6 वंस 6 हो गया प्लस 8 वंस 8 हो गया. अब आपको इसे ऐड करना है. नाउ यू विल ऐड बाय मेकिंग डॉट्स ऑफ स्मॉलर नंबर. ठीक है, आप ऐड करोगे स्मॉलर नंबर के डॉट्स बना के. तो ये दो नंबर्स में स्मॉलर नंबर कौन सा नंबर है? दैट इज 6. सो विल मेक 6 सर्कल्स. 1, 2, 3, 4. ओके, दिस इज 4. 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. सो हियर वी हैव 6 सर्कल्स. ठीक है, 6 सर्कल्स हमने बना लिए. और अब इन 6 सर्कल्स को हम इस 8 में ऐड करेंगे. 8 देन 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो करेक्ट ऑप्शन इज 14, 13 और 12. ऐड करने पर कितना आया है? 14. तो 14 करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो आपको ये एडिशन की जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से करनी है.